हुकूमती इत्तेहाद की पंजाब असेंबली में पावर शो की तैयारियां नंबर पूरे होने का दावा। वजीर आला के लिए एतमाद का वोट आज लिए जाने का इम्कान। पीटीए और काफिले की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में मुशावरत। नून लीग और इत्तेहादियों ने भी सर जोड़ लिए। राणा सनाउल्लाह के जेर सदारत मीटिंग में पीपल्स पार्टी और आजाद अरकान शरीक। हिकमत अमली तय। अल्लाह का शुक्र है 187 का नंबर मुकम्मल। फवाद चौधरी का ट्वीट। फैसल चीमा, दोस्त मजारी और मोमना वहीद गैर हाजिर। खुरम लगारी और चौधरी मसूद भी पंजाब असेंबली न आए। पंजाब असेंबली में फिर हंगामा। 1 घंटा 49 मिनट की ताखिर से इजलास शुरू होते ही अपोजिशन का एहतजाज। अरकान नशस्तों पर खड़े हो गए। हुकूमती मेंबरान भी पीछे ना रहे। एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी। खवातीन अरकान भी पेश पेश। राजा बिशारत की मामला ठंडा करने की कोशिशें। वज़ीर-ए-आला पंजाब की लाहौर में ज़मान पाक आमद। इमरान खान से मुलाकात। सूबे की सियासी सूरतेहाल और एतमाद के वोट पर तबादला ख्याल। वफाकी हुकूमत इक्तदार के लालच में इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है। नाकामयाब शहबाज शरीफ और राणा सनाउल्लाह का मुकद्दर बन चुकी हैं। परवेज इलाही की गुफ्तगू। एक चीज कही गई कि देखें पीटीआई की कोई फ्यूचर नहीं है। इमरान खान पे हमने रेड लाइन लगा दी है। जैसे ही मेरी टांग ठीक होगी मैं फिर सड़कों पे होऊंगा, मैं फिर पब्लिक के अंदर आऊंगा। जिस वक्त मैं निकलूंगा, ये जो कह रहे हैं ना रेड लाइन ड्रॉ की हुई है, ये मैं आपको रेड लाइन मिटा के दिखाऊंगा। आप जितनी मर्जी इंजीनियरिंग कर लें, नतीजा वही होना है जो भी ये पिछली इलेक्शंस में बाय इलेक्शंस में हुआ है। टांग ठीक होने के बाद फिर सड़कों पर आऊंगा, रेड लाइन मिटा कर दिखाऊंगा। इत्तेहादियों को नून लीग में शमूलियत के लिए धमकियां दी गई। जरदारी लाहौर में आकर फेल हो गए। सिर्फ गंदे अंडों ने पार्टी छोड़ी। राणा सनाउल्लाह जैसे लोग मुल्क पर मुसल्लत। इम्पोर्टेड हुक्मरानों ने हर चीज तबाह कर दी। अब डिस्प्रिन से कैंसर का इलाज करने की कोशिश हो रही है। इनकी मौशी पॉलिसी भीख मांगना है। जिनेवा में भी यही कुछ हुआ। तहरीक इंसाफ भारी अक्सरियत से दोबारा इक्तदार में आएगी। इमरान खान का पार्लिमानी पार्टी से खिताब। तकरीबन 100 अरब रुपए रोजाना के हिसाब से वो करप्शन कर रहे हैं। लूट मार का बहुत बाजार गर्म है और आटा लोगों को मुहैया हो इस बारे में तो उनकी कोई तवज्जो नहीं, लेकिन तवज्जो इस बात पे है कि मास्टर प्लान जो है वो मंजूर होना चाहिए। परवेज इलाही के पास 186 का हिंसा नहीं, पंजाब वापस हमारे पास आ चुका है। तहरीक इंसाफ के लोग नून लीग में शामिल होने के ख्वाहिशमंद। इमरान खान पाकिस्तान की सियासत पर बदनुमा दाग हैं। वोट की ताकत से इस फितने को माइनस कर दिया जाएगा। वफाकी वजीर दाखला राणा सनाउल्लाह की गरज बरस। वज़ीर-ए-आला पंजाब को डीनोटिफाई करने के खिलाफ दरख्वास्त पर लाहौर हाईकोर्ट में समाअत। क्या अभी तक मामला हल नहीं हुआ? 17 दिन गुजर चुके और कितना मुनासिब वक्त चाहिए? अगर आप एतमाद का वोट लें तो गवर्नर नोटिफिकेशन वापस लेने को तैयार हैं। मामले पर कोई इत्तेफाक राय नहीं हो रहा, मेरिट पर फैसला करने देंगे। जस्टिस आबिद अजीज शेख के रिमार्क्स। वज़ीर-ए-आला को 24 घंटे अक्सरियत का एतमाद हासिल होना चाहिए। आपके पास इतने दिन थे, वोट ले सकते थे। जस्टिस आसिम हफीज के रिमार्क्स। समाअत आज फिर होगी। $9.7 अरब उसकी
अमाउंट बनती है और अब हमारे अपने साइड पर है, हमें अब किस तरीके से इसकी एक एक पाई को हमने इस्तेमाल करना है, किस तरह शफाफियत के साथ तमाम ने मिलकर, सूबाई हुकूमत ने तमाम ने मिलकर, और आपने देखा कि इस या और ये बदकिस्मती की बात है, शूमी किस्मत के इस जो तकसीम दर तकसीम कौम में कर दी गई है और जो जो जहर घोला गया है, उसके बावजूद पूरी कौम ने देखा और पूरी दुनिया ने देखा कि वहाँ पर जनेवा में वफाक नहीं, सूबे सब मौजूद थे। सियासी मुखालिफिन के बदतरीन प्रोपोगंडे के बावजूद जिनेवा कॉन्फ्रेंस इंतहाई कामयाब, पाकिस्तान के लिए 9.7 अरब डॉलर की इमदाद के वादे हुए। आर्मी बरादरी का एतमाद और पाकिस्तानी अवाम के साथ यकजहती का इजहार काबिले तहसीन है। बॉल अब हमारे कोर्ट में है, एक एक पाइप को शफाफियत के साथ इस्तेमाल करेंगे। सिला मुतासरीन की तामीर नो, बहाली और दोबारा आबादकारी के लिए भरपूर कोशिशें करेंगे। वज़ीर आज़म की वफाकी वुज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, दोस्त ममालिक से तशक्कुर का इजहार। जो ज़रूरियात था इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से वो पूरा हुआ। जो फॉल्स परसेप्शन था कि पाकिस्तान दुनिया में आइसोलेटेड है, वो इंशाल्लाह हमेशा के लिए दफन हो गया। और जो पाकिस्तान की मीशत के बारे में गलत जो एक इम्प्रेशन दिया जा रहा था, वो आपने इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, आपके मेहनत के थ्रू, आपके क़ियादत में, उसको भी हमने अब सही जवाब दिया। कामयाब जिनेवा कॉन्फ्रेंस, मुल्की मईशत को नुकसान पहुंचाने वालों को मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान ने अपना टारगेट पूरा कर लिया, दुनिया 9 अरब डॉलर से ज्यादा की सरमायाकारी के लिए तैयार। आलमी तन्हाई का तासर हमेशा के लिए दफन हो गया। कोरोना और मौसी मुश्किलात के बावजूद आलमी बरादरी हमारे साथ खड़ी है। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो का इजहार ख्याल। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो पोजीशन है, आपने देखा कि ये भी था कि जी लाइबिलिटी फ़लाँ नहीं पे होगी, फ़लाँ नहीं होगी, बॉन्ड नहीं पे होगा, एवरीथिंग इज़ टोटली वर्कड आउट। हर चीज़ की जो प्लानिंग हमारे हाथ में है और एवरीथिंग इज़ इन ऑर्डर, नथिंग टू वरी। मैं सिर्फ क्लैरिफाई ये करना चाहता हूँ कि मैं यही दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला ने लोगों को हदायत दें ये चाहते क्या हैं। हर वक्त डिफ़ॉल्ट का एक इन्होंने गर्दान पकड़ी हुई थी, फिर ये गर्दान थी कि बॉन्ड पे नहीं होना, और अब ये आ गया कि जी ये देखें ये करने लगे। प्लीज़ आप अपना नेशनल रोल अदा करें। सियासी मुखालिफिन को मुस्बत हुकूमती इकदामात हजम नहीं हो रहे, इन्होंने हर वक्त सिर्फ डिफॉल्ट की गद्दान ही पकड़ी हुई है। हम जिनेवा में वजीर आजम की क्यादत में काम कर रहे थे, पीछे ट्वीट्स की भरमार थी, अल्लाह ही इन लोगों को हिदायत दे। वजीर खजाना इसहाक दार दुआ को। जिनेवा डोनर्स कॉन्फ्रेंस के वादों पर अमल दरामद, हुकूमत ने काम तेज कर दिया। सैलाब जदगान की बहाली के हवाले से खुद मुख्तार बोर्ड तश्कील देने पर गौर, मंसूबों के लिए थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग निजाम लाजम करार देने पर भी सोच विचार। वजीर आजम और वजीर खारजा सैलाब जदगान की बहाली और मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए पैसे मांग रहे हैं। गदागरी का इल्जाम लगाने के बजाय फख्र किया जाना चाहिए। इधर उधर से मिसालें ढूंढ कर बयानबाजी करने वाले अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं, इन्हें खुद भी आवाम के लिए कोई इकदाम उठाना चाहिए। चौधरी शुजात की तनकीद। बल्दियाती हल्का बंदियों के खिलाफ एमकेएम के तमाम धड़ों का इलेक्शन कमीशन सिंध ऑफिस के बाहर एहतजाज। खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफा कमाल और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। बल्दियाती इंतखाबात से कबल हल्का बंदियां दुरुस्त करने का मुतालबा। आप सब ने मिलकर जो जमानत ली थी, क्या वो सब हो चुकी है या आप उस जमानत में कायम है? आप अपना फैसला बताएं, अपना फैसला बताएं, हम अपने फैसले में आजाद हैं। बल्दियाती इंतखाबात पहले से ही गैर शफाफ, कबूल नहीं करेंगे, सही वक्त पर सही रास्ता इख्तियार कर लिया। जब हम सड़कों पर आते हैं तो ऐवानों में ताले लग जाते हैं, हमारी कुर्बानियों को कमजोरी और गुलामी ना समझा जाए। अगर हमने हिस्सा ना लिया तो शहर में कोई इलेक्शन नहीं होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी की ललकार।
लाहौर के इलाके गार्डन टाउन से मुबैना तौर पर लापता अहमद फरान घर पहुंच गए। मोनिस इलाहे के दोस्त चारों से लापता थे। लाहौर हाईकोर्ट में पेश, अदालत ने बाजियाबी की दरख्वास्त निपटा दी। पंजाब में रोजगार की फराहमी के लिए चौधरी परवेज इलाही का बड़ा इकदाम। सूबे में सालाना 10 लाख नौजवानों को फ्री ऑनलाइन आईटी कोर्सेज करवाए जाएंगे। इकदाम से मुलाजमतों के नए मौके पैदा होंगे। वजीर आला का मकामी और आलमी टेक्नोलॉजी कंपनियों को हर किस्म की सहूलियात की फराहमी का इरादा। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर। आजाद कश्मीर मरी गलियात में पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। हुंजा में पारा -6, ज्यारत -5, स्कर्दू -4, कल्लात और अस्तौर में -3 डिग्री तक गिर गया। इस्लामाबाद, कोयटा, पिशावर और दीगर इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। लाहौर में बूंदाबांदी। मारूफ अदाकार माजे जहांगीर कराची के गुलिस्तान जौहर कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में शोबे सितारों, अजीज़ो कारीब और शहरियों की शिरकत।